रीऑर्डर पॉइंट कंट्रोल जो है ये हम डिस्कस करते हैं बट इन दिस केस वी विल यूज़ डिमांड अनसर्टेनिटी उसको हम लेकर चलेंगे ई मॉडल जो हमने डेवलप uh, किया था वो उसमें डिमांड वॉज सर्टन हमने यही थी कि डिमांड इज़ सर्टन एंड नॉन एंड कॉन्स्टेंट इस केस में डिमांड इज़ अनसर्टन उसके अंदर वेरिएबिलिटी है तो उसको हमने हैंडल करना है वो किस तरह है हैंडल करेंगे Uh, इसके अंदर ये जो uh, uh, ये है मेथड है या मॉडल है दैट इज़ गुड फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट क्योंकि ये हम कंटीन्यूस रिव्यू करते हैं इसका दूसरा नाम है कंटीन्यू कंटीन्यूस रिव्यू मॉडल तो वो उसको कंटीन्यूसली हम रिव्यू करते हैं और उसको बड़े क्लोजली उसको इन्वेंट्री को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं तो इसके अंदर यूजली सेफ्टी स्टॉक जो है in, वो स्मॉलर क्वांटिटी uh, होती है कंपेयर टू पीरियोडिक रिव्यू जो कि हम बाद में करेंगे तो इसलिए इसको हम ज़्यादातर हाई वैल्यू आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं इसके अंदर जो कॉस्ट है ऑफ मॉनिटरिंग वो हाई हो जाती है क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसको रिव्यू कर रहे होते हैं इट इज बेसिकली परचेज फ्रॉम वन वेंडर और उसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं uh, इसके अंदर फ्यू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इन परचेजिंग प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अंदर uh, होती हैं uh, इसको अगर हम देखें तो लेट्स लुक एट दिस फिगर इसके अंदर दैट इज़ क्यू विच इज़ ऑर्डर क्वांटिटी और ये हमने ज्यूम किया है कि ये हमारी डिमांड जा रही है ठीक है इसको ये जो है रीसप्लाई इंस्टेंटेनियस रीसप्लाई एंड देन कंजम्पशन ये हो रहा है इसके अंदर इसके अंदर रीऑर्डर पॉइंट इन दिस केस दिस आर ओ पी इज़ लेट सपोज के हमने ये रखा हुआ है कि इतनी क्वांटिटी इन्वेंट्री पहुंचेगी तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे फॉर अनदर क्यू और इसके अंदर हमारे पास दिस इज द लीड टाइम यहाँ हमने ऑर्डर प्लेस किया है और यहाँ हमने ऑर्डर रिसीव किया सो दैट इज़ द लीड टाइम जो कि ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर रिसीव के दरमियान जितना टाइम लगता है दैट इज दिस इज दैट टाइम और इसके अंदर दैट इज़ योर ऑर्डर वैन योर जो इन्वेंट्री है इट रीच इज़ जीरो रिसीव द ऑर्डर सो दैट इज़ बेसिकली इन दिस केस द लीड टाइम इज़ नोन एंड कॉन्स्टेंट कि हमें पता है कि हम इस वक्त ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारे पास लट से हम कहते हैं कि पाँच दिन के बाद पहुंचेगा तो वो एग्जैक्टली exactly पाँच दिन के बाद पहुंच जाता है तो इसलिए हमें ये इसका इल्म है दिस इज़ कॉल्ड वन साइकिल रिसीविंग द टाइम बिटवीन रिसीविंग टू कन्जेक्टिव ऑर्डर ये इज़ वन साइकिल आपने ऑर्डर एक रिसीव किया उसके कितने अरसे के बाद आप दूसरा ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज़ वन साइकिल और इसके अंदर दिस इज बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना टाइम बिटवीन ऑर्डर कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और दूसरा ऑर्डर आपका प्लेस कर रहे हैं दैट इज टी टाइम बिटवीन ऑर्डर जो हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले की टॉपिक्स के अंदर और दिस इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री जो कि आप अचीव करेंगे बेसिकली दैट इज क्यू क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जैसे ही जीरो होगी आप क्यू की इक्विलेंट क्वान्टिटी रिसीव कर लेंगे एंड दैट विल बी योर मैक्सिमम इन्वेंट्री दिस लाइन इज बेसिकली योर डिमांड रेट और इन्वेंट्री डिप्लीशन लाइन के जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए आप जो माल दे रहे हैं तो इन्वेंट्री उस हिसाब से वो कम होती जा रही है इसमें बेसिकली एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं दैट इज क्यू इज इक्वल टू टू डी एस ओवर

और इसको हमने सॉल्व uh, करेंगे तो हमारे पास uh, एक तो ईओ क्यू आ जाएगा बट नेक्स्ट इज जो कि एनदर इम्पोर्टेंट वेरिएबल है एंड दैट इज रीऑर्डर पॉइंट कि हमारा रीऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन इज बेसिकली के इट इज़ डिमांड विच इज़ पीरियोडिक डिमांड मल्टीप्लाई बाय द लीड टाइम अब इसके अंदर हमने ख्याल रखना है आ, पहले ईओ मॉडल के अंदर हमने कैपिटल डी देखा था कैपिटल डी वॉज बेसिकली एनुअल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट कैलकुलेशन के अंदर हमने एनुअल डिमांड नहीं लेनी क्योंकि अगर हमने एनुअल डिमांड को लिया तो इसका मतलब है जो लीड टाइम है वो फ्रैक्शन ऑफ इयर्स में आ जाएगा विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट और उसके लिए फिर एक प्रॉब्लम ही आएगा तो बेसिकली वॉट वी डू इज वी कन्वर्ट द एनुअल डिमांड इन टू वीकली और डेली डिमांड अगर लीड टाइम डेज में है तो फिर डेली डिमांड में कन्वर्ट कर लें अगर लीड टाइम वीक्स में है तो फिर उसको वीकली डिमांड में कन्वर्ट कर लें एंड देन यू मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम दैट विल गिव यू द रिक्वायरमेंट जो के आपके पास होगी उसके अलावा यू विल नीड सेफ्टी स्टॉक क्योंकि डिमांड अंडर अनसर्टेनिटी है तो उसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं कि अगर डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ जाए तो सेफ्टी स्टॉक से उस डिमांड को हम मीट कर लें एंड दैट इज जेड जो हमने देखा है कि जेड किस तरह कैलकुलेट डिटरमिन uh, करते हैं मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड पीरियोडिक डिमांड डिमांड ड्यूरिंग वीक और डेज डिपेंडिंग अपॉन के लीड टाइम किस उसमें गिवन है तो इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा तो ये दोनों फिगर्स होते हैं जो कि हम यूजली यूज करते हैं इन दिस मॉडल जिसके अंदर रिओडर पॉइंट कंट्रोल हो वि डिमांड अनसर्टनटी है या इसको हम कहें कंटिन्यूस रिव्यू मॉडल तो इसको हम यूज़ करते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए इसका हम टाइम बिटवीन ऑर्डर पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन इधर हम यूज़ कर रहे हैं अनदर uh, uh, क्या कहते हैं फार्मूला दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला वो आसान था कि जी हमारे पास इतने दिन हैं उनसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को से डिवाइड कर दिया तो आपके पास टाइम बिटवीन ऑर्डर्स आ गया ये एक और है जिसके अंदर uh, Q जो कि ऑर्डर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड नाउ अगेन एनुअल डिमांड से करेंगे तो उसके अंदर आपके पास फ्रैक्शन ऑफ द ईयर आ जाएगा ठीक है uh, अगर एनुअल डिमांड को आप कन्वर्ट कर लें इन टू वीकली डिमांड तो क्यू डिवाइडेड बाय वीकली डिमांड विल गिव यू टाइम बिटवीन ऑर्डर इन वीक्स दैट कुड ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन और उसको डेली उसमें कर कर लें तो डेली डिमांड में कन्वर्ट करें एनुअल डिमांड को और फिर क्यू को डिवाइड कर लें डेली डिमांड से तो फिर आपके पास टाइम बिटवीन ऑर्डर आ जाएगा इन डेज uh, तो ये इसका आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने बाय चांस एनुअल डिमांड से डिवाइड कर लिया है तो फ्रैक्शन ऑफ ईयर आ गया है तो उसमें घबराने की बात नहीं है उसको वीक्स में कन्वर्ट uh, करना है मल्टीप्लाई बाय 52 कर लें तो वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय लेट से जैसे पिछले एग्जांपल में था 250 डेज़ के ऊपर काम हो रहा था तो 250 डेज से कर लेंगे तो डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा